नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर आंखों के ऊपर सफ़ेद दाग है तो आप इनको कैसे क्योर कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपनाकर अपने आंखों के ऊपर आए हुए सफ़ेद दाग को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटिलिगो आखिर होता क्यों है? चर्म रोग जिसको कहा जाता है, इसको कहीं कहीं ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि विटिलिगो हो गया है, मैं दिखने में अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, उसके वजह से विटिलिगो पेशेंट्स की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। विटिलिगो क्यों होता है? क्योंकि ये आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके स्किन और हेयर का डिसकलरेशन होने लगता है। जहाँ भी आपके स्किन का कोई भी एरिया हो, चाहे वो आँख हो, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपका आर्म हो, कहीं भी किसी भी एरिया पे अगर सफ़ेद निशान पड़ रहे हैं या वाइटिश कलर का के बाल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, आपको सफेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस एरिया में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वहां हमें सफेद दाग दिखता है। जी हाँ, मेलानिन आखिर क्या है? मेलानिन हमारी एक कलर बनाने वाली कोशिका होती है जो मेलानोसाइट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक करता है, यानी कि मेलानोसाइट्स कोशिकाओं के ऊपर जब अटैक करता है, तो यही मेलानिन का जो प्रोडक्शन मेलानोसाइट कोशिकाएं करती हैं, तो वो मेलानिन का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। यानी कि मेलानिन आपका बहुत पहले से बना हुआ है और वहां पे आपका एंटीबॉडीज जो है वो आपके ऊपर अटैक कर चुके हैं, तो उस एरिया में धीरे धीरे जो मेलानिन का प्रोडक्शन हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। जैसे ही वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है तो उस एरिया पे हमें सफेद दाग दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे आंखों के ऊपर एरिया में भी हमें सफेद दाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। अब मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका जो एंटीबॉडीज हैं वो खिलाफ काम कर रही हैं आपके शरीर के खिलाफ। अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे कौन से होम रेमेडीज हैं जिनको हम अपनाकर अपने आंखों पे आए हुए सफेद दाग को क्योर कर सकते हैं? तो पहला होम रेमेडीज है, सरसों के तेल में आप हल्दी पाउडर मिक्स करके अपने आंखों के एरिया पर लगाएं। अब सरसों के तेल में क्या पाया जाता है? ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और साथ ही साथ इनमें एंटी फंगल भी। दूसरा घरेलू उपाय है नीम के पेस्ट में शहद को मिक्स करके लगाना। नीम और शहद में भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इंफ्लामेशन भी कम होती है और मेलानिन का पिगमेंटेशन आपके स्किन पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप नीम के पेस्ट में आप शहद मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला घरेलू उपाय है कि हमारी डाइट। जी हाँ, हमारी डाइट ही हमारे बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। अगर हमारी डाइट ही खराब है तो कभी भी हम किसी भी बीमारी से उभर नहीं पाते हैं। तो सेम, अगर आपकी डाइट गलत होगी, अगर आप खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका जो विटिलिगो है, आपका जो सफ़ेद दाग है, वो इंक्रीज भी हो सकता है। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि हमारा चुकंदर और गाजर, इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही साथ इनमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो मेलानिन के पिगमेंटेशन में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप चिक पी का भी सेवन कर सकते हैं, इसमें आयरन और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी मदद करता है रीपिगमेंटेशन में, यानी कि आपके स्किन पे दोबारा से मेलानिन के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। तो इन घरेलू उपाय को आप अपनाकर अपने आंखों के ऊपर आए हुए सफेद दाग को क्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।